फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपाइलर डिजाइन लेक्चर सीरीज में बात करेंगे एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी मेथड के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिंबल टेबल के बारे में देखा था, उसका वीडियो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी में डिटेल में जाने से पहले हम सिनारियो समझ लेते हैं। कंपाइलर का सिनारियो क्या है? जो भी कंपाइलर होगा आपके, उसमें कंपाइलर में 6 फेज, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन, ये 6 फेज आपके कंपाइलर्स में होते हैं। और ये सारे 6 फेज दोनों जो हैं, एक सिंबल टेबल और दूसरा एरर हैंडलर, दोनों से कनेक्टेड होते हैं। सिंबल टेबल के में जब मैंने डिटेल में बात कर रहा था वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस टाइम सिंबल टेबल में स्टोर होता है, और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेटर उसी सिंबल का जो यहाँ पे सिंबल टेबल में स्टोर है यूज़ करके फर्दर टारगेट कोड जनरेट करता है। आज हम बात करेंगे एरर हैंडलर का। एरर हैंडलर क्या होता है? ये भी सारे फेज से कनेक्टेड होते हैं। किसी भी फेज में एरर कहीं पे अराइज हुआ, तुरंत वो रिपोर्ट कहाँ करेगा? एरर हैंडलर के पास। और एरर हैंडलर उस पर 3 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एरर को डिटेक्ट करेगा, उसकी रिपोर्टिंग करेगा, एरर की रिपोर्टिंग। जैसे आप सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप देखते होंगे जब भी कोई एरर आता होगा तो आपको मैसेज लिख के आता है, जैसे अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल या अनडिफाइंड वेरिएबल का मैसेज जो आता है वो क्या है? एरर रिपोर्टिंग ही है कि किस टाइप की एरर आपकी है वो रिपोर्ट कर रहा है। तो डिटेक्ट करेगा एरर, एरर रिपोर्टिंग करेगा और एरर की रिकवरी भी करता है एरर हैंडलर। तो एरर हैंडलर का 3 मेजर काम होता है। अगर यहाँ से हम देखें तो जो आपके एरर अराइज होते हैं जनरली 3 फेज में होते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस। अगर इन 3 फेज में एरर आ गया तो वहीं पे आपका एरर हैंडलर उस पर एरर डिटेक्शन रिकवरी और एरर डिटेक्शन रिपोर्टिंग एंड रिकवरी का काम परफॉर्म करेगा। इसके बाद फिर आपका फर्दर कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन या कोड जनरेशन के पास जाएगा। लेकिन अगेन क्वेश्चन आपका उठता है कि इसी जब यहाँ पे ही एरर 3 फेज में राइज होता है तो बाकी इन 3 फेज से एरर हैंडलर को कनेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जनरली होता क्या है कि कभी कभी इन द केस कोई एरर ऐसा है जो लेक्सिकल, सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या कुछ एम्बिग्यूटी होता है तो वो एरर रिपोर्ट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं फाइनली जाके लास्ट में आपका इसी 3 फेज में क्या करेगा, वहाँ पे एरर उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है और वो रिपोर्ट करता है आपको एरर हैंडलर को। तो एरर की बात करें तो एरर आपके 2 टाइम एरर आ सकते हैं, कंपाइल टाइम में एरर आ सकता है या फिर रन टाइम में एरर आ सकता है। जैसे कि हम कोई प्रोग्राम करते हैं, सपोज सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देखते होंगे कि एक तो जैसे हम कंपाइल करते हैं तो वहाँ पे कुछ एरर आ सकते हैं, कभी कभी कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है लेकिन जब हम रन करने जाते हैं प्रोग्राम को तो वहाँ भी एरर आ सकता है। तो इस 2 तरह के एरर आपका जनरेट हो सकता है, कंपाइल टाइम पे और रन टाइम पे। अगर कंपाइल टाइम की बात करें तो कंपाइल टाइम में जो मेजर एरर जनरेट होते हैं या एराइज होते हैं वो आपके लेक्सिकल फेज एरर होते हैं, सिंटैक्टिक फेज में होते हैं एरर और सिमेंटिक फेज। वही 3 फेज की हम यहाँ बात कर रहे थे, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस। तो इसी 3 फेज टाइम क्या होते हैं आपके, एरर जनरेट होते हैं। और अगर इसमें एरर जनरेट हुए तो उसी को डिटेक्शन, रिपोर्टिंग और रिकवरी आपका एरर हैंडलर परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें डिटेक्शन की तो कोई एरर डिटेक्ट तो इजीली आपका कंपाइलर कर लेता है, उसकी रिपोर्टिंग जो भी मैसेज होगा वो मैसेज आपको दे देगा। लेकिन रिकवरी कैसे करेगा? रिकवरी के भी कुछ मेथड होते हैं। जैसे रिकवरी के अगर हम देखें मेथड तो आपके रिकवरी के 5 मेथड होते हैं, पैनिक मोड मेथड, फ्रेज लेवल मेथड, एरर प्रोडक्शन मेथड, ग्लोबल प्रोडक्शन मेथड एंड यूजिंग सिंबल टेबल मेथड। तो ये 5 तरह के मेथड जो हैं आपके, इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 4 इम्पॉर्टेंट है इसका जनरली, ये रिकवरी मेथड एक तरह से नहीं कह सकते इसको हम, इस सिंबल टेबल जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था इसके प्रीवियस लेक्चर में, इस सिंबल टेबल का यूज़ करके भी हम कुछ रिकवरी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे एक रिकवरी मेथड का भी नाम दे दिए हैं। तो ये मेजर 4 आपके रिकवरी मेथड होते हैं, इसको भी इंक्लूड करें तो 5 रिकवरी मेथड हो गए। जो आपके एरर होते हैं, लेक्सिकल फेज एरर, सिंटैक्टिक फेज एरर और सिमेंटिक फेज एरर, अगर हम इस पे देखें तो कौन से रिकवरी मेथड किस एरर पे अप्लाई हो सकती है? अगर पैनिक मोड एरर देखें तो यहाँ पे लेक्सिकल फेज एरर पे अप्लाई हो सकती है,
सिंटैटिक फेज पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिमेटिक फेज पे अप्लाई नहीं होता। इसी तरह से अगर फ्रेज लेवल की बात करें तो फ्रेज लेवल केवल सिंटैटिक फेज एरर पे होता है, एरर प्रोडक्शन भी केवल सिंटैटिक फेज एरर पे रिकवरी करता है, एंड ग्लोबल प्रोडक्शन भी केवल सिंटैटिक फेज पे रिकवरी करता है। अगर हम यहाँ पे सिंबल टेबल की बात करें, यूजिंग सिंबल टेबल जो मेथड यूज करते हैं, इसका यूज जनरली हम सिमेंटिक फेज एरर को रिकवर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम रिकवरी मेथड भी देखें तो मोस्ट ऑफ रिकवरी मेथड किस पे अप्लाई हो रहे हैं, सिमेंटिक फेज एरर पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैक्सिमम जो आपके एरर राइज होते हैं हमेशा सिंथेटिक फेज एरर में ही ज़्यादा एरर आने के चांसेस होते हैं, लेक्सिकल फेज में भी बहुत कम चांसेस होते हैं और सिमेंटिक फेज में भी एरर जनरेट होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामर जनरली लेक्सिकल फेज और सिमेंटिक फेज की गलती नहीं करता, जनरली गलती किस में होती है प्रोग्रामर से, सिंथेटिक फेज की गलती होती है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा आपके रिकवरी मेथड भी अप्लाई होते हैं। तो हर रिकवरी मेथड का अपना अलग अलग रूल्स है, उस रूल्स को वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेक्सिकल फेज एरर की, जो आपका लेक्सिकल फेज एरर है और इसकी रिकवरी की। अगर इसके एरर और रिकवरी की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेक्सिकल फेज एरर है, क्या क्या लेक्सिकल फेज एरर में आ सकता है। जैसे कोई हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम सी लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज से आप जनरली अवेयर हैं और उसका डिटेल आपको पता भी है। तो अगर लेक्सिकल फेज एरर में हम देखें तो जो फर्स्ट टाइप का एरर जनरेट होता है वो होता है एक्सेडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर से मतलब समझिए कि जैसे हम कोई आइडेंटिफायर बनाए, सपोज मैंने बना लिया इंटीजर सम, तो इस आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी है, 3 लेंथ है। इसी तरीके से अगर इस वेरिएबल की लेंथ एक्सीड कर जाए उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग न हो, जैसे सी में बात करें, सी में 31st करेक्टर तक का हम लेंथ अलाउड कर सकते हैं, 31st से ज़्यादा अगर हम करेक्टर का वेरिएबल लेते हैं तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। इसी तरह से अगर फॉर्टन देखें तो फॉर्टन में 7 करेक्टर का हम ले सकते हैं, 7 करेक्टर से ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पे वो आइडेंटिफायर नहीं माना जाएगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर एक्सीडिंग लेंथ करता है, लेंथ एक्सीड करता है वेरिएबल का या आइडेंटिफायर का, तो भी एरर जनरेट करेगा। ऐसे ही लेक्सिकल फेज एरर जनरेट करेगा, ध्यान दीजिए कि तुरंत आपका अब एरर हैंडलर का रोल आ जाएगा। एरर हैंडलर क्या करेगा, इस पर इसको डिटेक्ट क्या करेगा यहाँ पे कि इसकी जो लेंथ है वो एक्सीड कर रही है, अगर करेगी तो, नहीं कर रही है तो कोई वहाँ पे एरर नहीं आएगा। तो डिटेक्ट करेगा, उसकी रिपोर्टिंग करेगा, आपको मैसेज देगा कि वेरिएबल लेंथ एक्सीड कर रहा है, रिकवरी भी उसका करेगा कि उसको डिस्कार्ड करना है या उसको कितने लेंथ का मुझे स्टार्ट लेके चलना है। तो इस तरह से आपका पहला हो जाएगा। सेकंड होता है अपीयरेंस ऑफ इलीगल करेक्टर। इलीगल करेक्टर मींस कोई आपका स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, सपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने यूज कर लिया इस तरह से इंटीजर ए और डॉलर। अब यहाँ पे देखिए आपका, अगर हम देखिए इंटीजर आपका क्या है, डेटा टाइप्स है, ए देखें आप तो ए क्या है आपका, वेरिएबल्स है, और यहाँ पर डॉलर, अगर हम डॉलर सिंबल देखें तो डॉलर सिंबल क्या होता है, डॉलर सिंबल सी लैंग्वेज के लिए इलीगल करेक्टर है, वहाँ पे वो एप्लीकेशन सी लैंग्वेज में अलाउड नहीं है। तो इस तरह का अगर इलीगल करेक्टर आता है तो इसको भी लेक्सिकल फेज एरर जो होता है आइडेंटिफाई करता है, उसकी रिपोर्टिंग करता है और उसकी रिकवरी करता है। थर्ड है आपका अनमैच्ड स्ट्रिंग आर कमेंट। अनमैच्ड स्ट्रिंग या करेक्ट से मतलब कमेंट से मतलब है आपका कि सपोज कि हम जो कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग जनरली डबल कोटेशन के बीच में हम लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी सपोज मैंने मैसेज लिख दिया हेलो, तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग डबल कोटेशन को मिस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दें यहाँ पे अनमैच स्ट्रिंग मींस स्ट्रिंग का जो मैच है डबल कोटेशन एंडिंग क्लोजिंग का, ये मैच नहीं करेगा। तो इस टाइप की एरर भी कौन आइडेंटिफाई कर लेगा, लेक्सिकल फेज एरर भी होता है। कमेंट से भी जैसे हम कमेंट लिखते हैं तो कमेंट जनरली लिखते हैं बैक स्लैश स्टार और कोई कमेंट की लाइन लिखेंगे और ब्लैक स्लैश स्टार बैक स्लैश से हम क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ भी देखें तो जो मैसेज लिखेंगे हम यहाँ पे कमेंट लिखेंगे, अगर इसमें से कोई भी एक अगर हम मिस कर दें, इस साइड में सपोज लेफ्ट का मिस कर दिए, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ भी अनमैच्ड कमेंट में आ जाएगा। तो ये भी एरर आपका कहाँ पे जनरेट होता है, लेक्सिकल फेज एरर में जनरेट होता है। एक एग्जांपल से समझिए यहाँ पे लेक्सिकल फेज का एरर क्या क्या जनरेट हो सकता है। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया वाइडमैन इंटीजर ए कॉपीराइट सिंबल है आपका डेल्टा डॉलर
सेमी कॉलन और इसके बाद मैंने लिख लिखा है वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टार और बैकस्लैश। ए की वैल्यू मैंने स्लैच कर लिया 10 से। प्रिंट एफ की वैल्यू प्रिंट में हम कर रहे हैं परसेंटेज डी ए की वैल्यू जो था उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। सेमी कॉलन कॉलन क्लोज कर लिया और डॉलर सिंबल यहाँ पे दे दिया। इसके बाद ये मेन का क्लोजिंग हो गया। अब इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि लेक्सिकल एनालिसिस जो है लेक्सिकल फेज इरर यहाँ पे क्या क्या इरर आइडेंटिफाई कर सकता है। इसमें अगर हम देखें तो वन बाई वन चलें तो यहाँ पे इंटीजर भी आपका वैलिड है, ए भी आपका वैलिड है। अगर इसको हम देखें तो ए सिंबल क्या है लेक्सिकल एनालिसिस के लिए इरर, लेक्सिकल एनालिसिस में इरर आइडेंटिफाई कर लेगा। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज में कॉपीराइट सिंबल वैलिड नहीं होता। ऐसे ही डॉलर अगर आ जाए तो डॉलर भी क्या होता है, डॉलर भी आपका सिंबल नहीं है, सी लैंग्वेज के लिए वैलिड इलीगल करेक्टर है, तो इसलिए यहाँ भी इरर आ जाएगा। नेक्स्ट इरर यहाँ पे भी देखिए रिपोर्टिंग करेगा कि यहाँ पे क्या एक कमेंट है, कमेंट का मैंने क्लोजिंग तो किया लेकिन स्टार्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा, ये भी इरर यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। इसमें देखिए इस लाइन में कोई भी इरर नहीं है। अगर इस लाइन में हम बात करें तो प्रिंट ऑफ लाइन स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डॉलर लिख दिया। डॉलर अगेन इलीगल करेक्टर है आपका, तो ये भी क्या आएगा, ये भी इसको कौन आइडेंटिफाई कर लेगा, लेक्सिकल फेज इरर इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और रिपोर्ट कर देगा इरर का, और यहाँ पे क्लोजिंग है इसका। तो इस तरह से इरर जो है रिपोर्टिंग हो जाती है। तो लेक्सिकल फेज में कुछ इस तरह के इरर जनरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रिकवरी की। तो इसकी रिकवरी के लिए आपका जो मेथड होता है पैनिक मोड मेथड होता है। तो पैनिक मोड मेथड में हम कैसे रिकवरी करते हैं ये आप देखिए। यहाँ पे सपोज कि कोई मैंने स्टेटमेंट लिखा इस तरह से इंटीजर ए कामा 5 बी और मैंने एक और करेक्टर ले लिया सम और मैंने ले लिया यहाँ पे डॉलर जेड। इस तरह का मैंने कोई स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिया सी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीज़ ऐसी है जो लेक्सिकल फेज में इरर आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर हम देखें तो इंटीजर भी वैलिड है, ए भी वैलिड है, ए आपका 5b आपका कभी भी कोई नंबर वेरिएबल में पहले नहीं आ सकता, तो एक तो इस पर इरर आइडेंटिफाई कर लेगा। दूसरा सम भी आपका वैलिड है। इसके बाद डॉलर भी यहाँ पे अलाउड नहीं होता, इलीगल करेक्टर है, तो ये भी क्या हो जाएगा इनवैलिड। अब अगर इस पर हम पैनिक मोड मेथड देखें जो रिकवरी मेथड है मेरा, तो कैसे काम करेगा, वो काम कैसे करता है आपका, वन एक एक करेक्टर आपका स्कैन करता है। जैसे यहाँ से INT एक लेक्सिम मिलेगा, लेक्सिम जैसे बहुत पहले मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि हमेशा टोकन जो जनरेट करता है लेक्सिकल एनालिसिस वहाँ पे लेक्सिम के फॉर्मेट होता है, हर लेक्सिम से मैच करता है, जैसे मैच करता है उसको टोकन रिपोर्ट करता है कि आपका टोकन्स है। तो एक तरह से टोकन ही आइडेंटिफाई करेगा। तो इंटीजर को आपका एक टोकन मिल जाएगा, ए भी आपका टोकन मिल जाएगा। अगर 5b की बात करें तो यहाँ पर देखिए इरर क्या आएगा, यहाँ पर पहला करेक्टर क्या आ गया 5 आ गया। 5 आते ही एज्यूम मान लेगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन तो 5 से होता ही नहीं इसी लैंग्वेज में, तो इसको इरर मानेगा और पैनिक मोड मेथड रिकवरी कैसे करेगा, इसको डिस्कार्ड करेगा। अगेन इसके साथ जितने भी करेक्टर लगे होंगे उसको भी डिस्कार्ड करेगा। कब तक डिस्कार्ड करता चला जाएगा, जब तक कि कोई कॉमा या सेमी कॉलन ना आ जाए। जैसे ही कॉमा आएगा अब इसको छो आ गया, यहाँ पे रुक जाएगा पैनिक मोड मेथड। अब देखिए फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से एस स्टार्ट करें, SUM आएगा, एक करेक्ट इसको मिलेगा, आगे चल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे डॉलर पे आया अगेन इसको क्या मिल गया, अगेन इलीगल करेक्टर मिल गया, तो इसको डिस्कार्ड करेगा। इसके बाद इसके साथ जितने भी करेक्टर होंगे उसको भी डिस्कार्ड करेगा, जेड को भी डिस्कार्ड कर देगा। कब तक करेगा कि जब तक आपका लास्ट में कोई भी सेमी कॉलन या कामा न आ जाए। तो जैसे सेमी कॉलन आएगा यहाँ पे रुक जाएगा। तो इस तरह से रिकवर क्या कर लिया, रिकवरी आपका देगा कि यहाँ पे केवल 2 वेरिएबल वैलिड वेरिएबल हैं। तो इस तरह से आपका काम करता है पैनिक मोड मेथड। तो होपफुली आपको इरर डिटेक्शन एंड रिकवरी मेथड और लेक्सिकल फेज इरर का डिटेल में क्या होता है इरर उसको और उसकी रिकवरी हम कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस यही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिंटैक्टिक फेज इरर, सिमेंटिक फेज इरर और उसकी रिकवरी के बारे में।